सुनिया सुनिया रातां ते रातां दे विच तू जद भी तेनू लब्बां ते मिल जे मैनू तू सारे दिन दियां गल्लां बह के दसा मैं तेनू तू मैनू भुले ना कदे गाइस सबसे पहले आप सभी को लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा गाइस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको इस जगह पे आ जाना है प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर और गाइस ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हो इसका एक्सएमएल फाइल एंड प्रीसेट फाइल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके से अपने लाइट मोशन पर ये प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करवा सकते हो। अब जैसा कि मैं क्या करता हूं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूं। अब जैसा कि आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद कुछ लेयर्स आप सभी को देखने को मिलता है। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा यहाँ पर जिस भी ऑडियो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस वाले ऑडियो को इंपोर्ट कर देना। मैं ऑडियो इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब जैसा कि आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जिस भी इमेज पे आप वीडियोस बना रहे हो उसे इंपोर्ट करना है। तो मैं जैसा कि सबसे पहले एक इनमें से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ लाइक दिस और इस इमेज को फिल कंपोजिशन एरिया कर देता हूँ और अपने गाना जितना दूर है उतना दूर मैं इस फोटो को एक्सटेंड करता हूँ। अब गाइस इस फोटो को आप नीचे की ओर कर देना और सबसे नीचे पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड फोटो एक लेयर है। इसका इफेक्ट्स को ऑप्शन पे चले जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट्स करना है और गाइस उस फोटोज़ पे आपको जाकर पेस्ट करना है। अब देखो भाई ये जो बैकग्राउंड फोटो है इस लेयर को आपको डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड पे जो आप फोटो इंपोर्ट किए थे वो इस जगह पे सेट हो चुका है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करना होगा, देखो भाई आपको ये लेयर सबको सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से और यहाँ पर गाइस आपको लेयर को थोड़ा सा स्लाइड करना है। आई मीन आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो गाइस आपको यहाँ पर सारे लेयर्स को इस तरीके से जैसे कि सिलेक्ट कर लेना या फिर आप क्या करना, देखो भाई यहाँ पर मैं आप सभी को एक वीडियो लिंक दूंगा तो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये 5 सेकंड का वीडियो को इंपोर्ट करवा सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। देखो भाई ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर चाहते हैं तो इंपोर्ट करवा लेना अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा इस तरीके से मिडिल पे कर देता हूँ। अब देखो ये जो आपका वीडियो है, ये देखो ये जो आपका वीडियो है इसे मैं क्या करता हूँ ऑडियो को सबसे पहले इसी जगह से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो इस जगह पे मैंने अपने ऑडियो को यहाँ पर स्टार्ट किया, इस लेयर को भी मैं इसी जगह से स्टार्ट करवाता हूँ, यानी कि सारा लेयर सब है वो 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। आई मीन आप समझ सकते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने कर दिया, अब इसे भी आपको इस तरीके से करना है इस तरीके से। ऑलराइट सारा लेयर्स को 5 सेकंड के बाद कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है। अब देखो आपका कुछ इस तरीके से रहेगा और उसके बाद आपका ये यहाँ पर आपको फेड आउट मारना है, इसके अंदर एक इफेक्ट देना है जो कि है फेड आउट। तो मैं एक इफेक्ट दे देता हूँ फेड आउट, सिंपल तरीके से आप इनको रख सकते हो या आउट को रख सकते हो। तो देखो भाई इस तरीके से फेड आउट को इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर आउट को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। अब गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं सीडी इमेज के ऊपर योर इमेज है, इस पर क्लिक करना है और जो सिंपल तरीके से आपने जिस फोटो का भी यूज़ किया बैकग्राउंड पे उसी फोटो को इंपोर्ट करना है, एंड तक एक्सटेंड करना है, उस लेयर को नीचे की ओर करना है और इस जगह से भी आप छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर आप अगर चाहते हैं तो एक इफेक्ट है जिस इफेक्ट के नेम है टाइल्स, तो ये टाइल्स इफेक्ट का स्टैंड को चूज कर लेना और मिरर को ऑन कर देना, वो आपका हाइड हो जाएगा और देखने में बहुत ही कूल सा लगता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेना, बाकी आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना होगा, ये करने के बाद आपको एक लेयर यूज़ करना है। देखो नीचे की ओर आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाता है। अब गाइस आपको सॉन्ग को मार्क करना होगा इस तरीके से। तो अब मार्क करने के बाद आपको अपना लिरिक्स ऐड करना है। तो जैसे कि जो भी लिरिक्स है आप उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना लिरिक्स को पेस्ट कर दिया। इस जगह पे क्लिक करना, कलर व्हाइट कर देना, इस जगह पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा इंक्रीज करना और गाइस फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये वाला फॉन्ट को चूज़ करना और उसके साथ ही साथ आपको एक्सटेंड तक कर देना आपको पहला। तो देखो गाइस इसके अंदर आपको इफेक्ट्स कुछ यूज़ करना है, सबसे पहले फेड इन फेड आउट। तो यहाँ पर जो ये फेड इन फेड आउट इफेक्ट है इसे चूज़ करना, स्टैंडर्ड सेटिंग में चूज़ करना, इनको माइनस कर देना, इन 50 रखना, आउट को माइनस कर देना या आउट को 20 कर देना यार। चलो अब इसके साथ ही साथ और एक इफेक्ट आपको यूज़ करना है लॉन्ग शैडो। तो गाइस यहाँ पर लॉन्ग शैडो को स्टैंडर्ड सेटिंग को चूज़ करना, लॉन्ग शैडो को जो ये साइज है इसे घटाकर आप 25 कर देना एटलीस्ट। अब इससे आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑलराइट अब देखो भाई ये आपका क्या होगा,
तो गाइस ये जो टेक्स्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आपको ये टेक्स्ट को मिल जाएगा। तो आपको सिंपल इस टेक्स्ट को कॉपी लेयर करना है और जिस तरीके से आपको लिरिक्स आ रहा है उस तरह पेस्ट करके एडिट पे जाकर जो भी है वो लाइन को आपको चेंज कर देना होगा इस तरीके से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह हो जाएगा, समझ रहे हो आप, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस तरीके से पूरा लिरिक्स को टाइप करना होगा आप सभी को, है ना, मैन्युअली एक एक करके। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको कॉपी पेस्ट करना है और एडिट करना है लिरिक्स के साथ, जो भी लिरिक्स है वो उसके साथ रिप्लेस कर देना है। अभी ये HD नहीं है, जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे ये परफेक्ट तरीके से HD बन जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, दो चार इमोजी ले सकते हो। तो जैसे कि मैं एक ये वाला इमोजी, एक मैं ये वाला इमोजी लेता हूँ और उसके साथ ISO इमोजी जो फॉन्ट है वो फॉन्ट को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ताकि गाइस आपका जो इमोजी है वो ISO फॉन्ट पे बदल जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट पे जाके इसे चेंज कर दिया और इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। और उसके अंदर आपको एक इफेक्ट्स वही सेम लॉन्ग शैडो यूज़ करना होगा और घटा लेना है आपको। तो मैं 20 रख लिया और इसे मैं कहीं पर भी सेट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो क्या होगा, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखो भाई ये जो है ये मैं काफ़ी बड़ा रखा हूँ, आप छोटा कर सकते हैं और इसे आप कहीं पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप इसे यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप नीचे की ओर भी एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और ऊपर की ओर आप कुछ भी कोट्स वगैरह लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ऐसा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। प्रोजेक्ट XML सारा है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाता है आप लोगों का, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा इस पर। चलो यार सब्सक्राइब करो क्योंकि 2 लाख का काफ़ी ज़्यादा करीब है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।